क्वेश्चन दिया गया है कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस क्या है, विभिन्न इनपुट डिवाइस को समझाइए। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हमने थोड़ा बहुत फर्स्ट यूनिट में भी समझा था कि जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर पर इनपुट इंस्ट्रक्शन को निर्देशों को इनपुट किया जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस डेटा और सूचना को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेत में परिवर्तन करके कंप्यूटर पर इनपुट करता है। विभिन्न प्रकार की इनपुट डिवाइस मार्केट में उपलब्ध है, ये डिवाइस निम्नलिखित है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इतनी सारी जो है इनपुट डिवाइस दिखाई दे रही है। इन डिवाइस का अलग अलग इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो इनपुट डिवाइस का मुख्य कार्य क्या हुआ, मुख्य कार्य हुआ कि ये डेटा को निर्देशों को, जैसे हमने टाइप किया यहाँ पर हिंदी में, लेकिन जब हम इसको टाइप करते हैं तो टाइप करने के बाद इसकी जो इनपुट डिवाइस है उसको कन्वर्ट कर देती है किसमें, कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, और फिर जाकर के डेटा जो है स्टोर होता है। इनपुट डिवाइस निर्देशों को कंप्यूटर के समझने वाली भाषा में स्टोर करती है। पहली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है कीबोर्ड। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इनपुट डिवाइस है जो कि आपके कंप्यूटर पर सामने ही रखी हुई होती है, जिसके द्वारा कि आप कीबोर्ड से डेटा को टाइप करते हैं और डेटा को इनपुट करते हैं। तो कीबोर्ड कंप्यूटर के साथ प्रयोग किया जाने वाला एक पेरिफेरल है, इनपुट डिवाइस है। तो किसी प्रकार की डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस कह सकते हैं, पेरिफेरल है। आज भी कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के रूप में प्राथमिक डिवाइस है, तो सबसे प्राइमरी डिवाइस है, इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है, जो डेटा एंटर करने में प्रयोग किया जाता है। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में लगभग 105 कीज होती हैं तथा प्रत्येक की एक विशेष सिग्नल संचरित करती है। जो साधारण कीबोर्ड की बात की गई है और उसके अलावा जो और एडवांस मल्टीमीडिया कीबोर्ड आते हैं उसमें और भी ज्यादा कीज होती है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर के समान कीज वाला एक उपकरण है, लेकिन इसमें कुंजियों की संख्या टाइपराइटर से अधिक होती है। डेटा को 1 और 0 के बिट में बदलकर कीबोर्ड दो प्रकार से सीपीयू में इनपुट कर सकता है। तो दो प्रकार से डेटा को इनपुट किया जाता है कीबोर्ड में, एक होता है सीरियल वाइज और एक होता है पैरेलल वाइज, है ना। दो तरीके से कीबोर्ड में से डेटा जो है वो सीपीयू में जाता है, एक सीरियल वाइज और एक है पैरेलल वाइज। तो कीबोर्ड का यहाँ पर देख सकते हो आप पिक्चर बनी हुई है, आपने भी कीबोर्ड देखा है, इस्तेमाल किया हुआ है। इस कीबोर्ड में देखिए, चलिए इसके अलग अलग भाग बता देते हैं। ये कीबोर्ड में बना हुआ है, इसको बोलते हैं एस्केप की। इसका इस्तेमाल अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरीके से होता है, बाकी ज्यादातर इसका इस्तेमाल किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी विंडो से, किसी भी डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए, उससे बाहर आने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं एस्केप की। यहाँ पर जो बनी हुई है इसको बोलते हैं फंक्शन की, F1, F2 से लेकर के F12 तक है। तो इन फंक्शन की का इस्तेमाल अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग किया जाता है। जैसे कि अगर हम अल्टर की के साथ में F4 की दबाएंगे तो हमारा जो भी एप्लीकेशन खुला हुआ होगा वो बंद हो जाएगा, तो ये कहलाती है फंक्शन। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कहलाती है न्यूमेरिक कीज। अब यहाँ पर आप कीज में देखेंगे कि यहाँ पर नंबर्स हैं और ऊपर इसके सिंबल बने हुए हैं, इसका इस्तेमाल भी हम जो है कर सकते हैं। यदि आप शिफ्ट की के साथ दबाएंगे तो ऊपर के सिंबल बनेंगे, और अगर आप सिंपल इस की को दबाएंगे तो ये नंबर जो दिए गए हैं वो टाइप होंगे। अगर आपको ऊपर जो कैरेक्टर दिए गए हैं उसका इस्तेमाल करना है तो आपको शिफ्ट की के साथ में इसको दबाना होगा, तब यहाँ पर वो सिंबल टाइप हो जाएगा जो सिंबल ऊपर दिया गया है। कीबोर्ड में ये होती है बैक स्पेस की, इससे कोई भी टेक्स्ट को वर्ड में या जिसमें भी आप काम कर रहे हो उसको मिटा सकते हो। ये वाला भाग कहलाता है अल्फा न्यूमेरिक कीज, जहां पर भी अल्फाबेट वगैरह दिए गए हैं। इस तरीके से कीबोर्ड में पैटर्न होता है ASDF, GGH, JKL। तो कीबोर्ड में देखिए टाइपिंग करने का एक पैटर्न होता है, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कीबोर्ड में फास्ट टाइपिंग की जाए। तो कैसे आप उंगलियों को कीबोर्ड में रखें उसकी संरचना को समझ करके ही तेजी से टाइपिंग के लिए इस तरीके से कीबोर्ड बनाया गया है, इसको बोलते हैं क्वेरिटी कीबोर्ड, क्योंकि ऊपर यहाँ पर QWERTY से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ABCD से भी स्टार्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ABCD इस प्रकार से नहीं लिखा हुआ है। इस तरीके से क्वेरिटी, इस संरचना के द्वारा जब हम इसमें अपनी फिंगर को रखेंगे तो टाइपिंग तेज होगी। आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि टाइपिंग किस प्रकार से कंप्यूटर में की जाती है।
उसके बाद आप देखिए यहाँ पर है ये एंटर की। एंटर की से हम टाइपिंग करते समय अगली लाइन में आते हैं, या किसी भी डेटा को कंप्यूटर में सेव करना है तो उसके लिए एंटर की का इस्तेमाल किया जाता है। ये कहलाती है शिफ्ट की, जो कि यहाँ भी होती है यहाँ भी होती है। इसका इस्तेमाल बहुत सी शॉर्टकट की में और अक्षर को छोटा बनाने में और ऊपर जो सिंबल दिए गए हैं उसको टाइप करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर होती है कैप्स लॉक, ये होती है कैप्स लॉक। अगर कैप्स लॉक को हम एक बार दबा देंगे तो यहाँ पर कैप्स लॉक की जो यहाँ पर लाइट होती है वो चालू हो जाएगी, ग्रीन या रेड लाइट, जिससे क्या मालूम होता है हमको कि अभी कैप्स लॉक की बटन दबी हुई है। अब जो भी लेटर आप टाइप करोगे तो वो कैपिटल लेटर्स में टाइप होगा, ठीक है, और कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो स्मॉल लेटर में टाइप होगा। इसी प्रकार से टाइपिंग करते समय बीच में अगर हमें स्पेस बार देना है तो उसके लिए हम स्पेस बार टाइप करते हैं। उसी तरीके से यदि हमें कीबोर्ड में कुछ भी शॉर्टकट की वगैरह इस्तेमाल करना है तो उसके लिए हम अल्टर और कंट्रोल की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कीबोर्ड में ये है आपकी न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है, नम लॉक की बटन को चालू करते हैं जब ये लाइट जलती है तब ये कीबोर्ड जो है वो वर्क करता है। उसी प्रकार से ये है अप डाउन एरो की, इससे कर्सर ऊपर जाएगा, इससे कर्सर नीचे आएगा, इससे कर्सर लेफ्ट में जाएगा, इससे कर्सर राइट में जाएगा, और इन भी की का इस्तेमाल बहुत सी जगह किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य कीज के बारे में हमने देखा और आगे चल के जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर और भी कीज जो है हम समझते जाएंगे। तो ये था कीबोर्ड, जिसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी का विवरण दिया गया है कि कीबोर्ड में कौन कौन सी कीज होती है, तो उसको अभी हमने देख चुके हैं डायग्राम में। तो ये वही चीज है कि अल्फा न्यूमेरिक कीज का मतलब हो गया जो ए से लेकर जेड तक जो टाइप है, जो नंबर्स टाइप है, जो ये स्पेशल सिंबल बने हुए हैं, इनको क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीपैड कौन सा हो गया, जो साइड में हमने दिखाया था उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। फंक्शन कीज कौन सी हो गई, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है जिसमें F1 से F12 तक लिखा हुआ होता है उसे बोलते हैं फंक्शन कीज। स्पेशल पर्पस कीज कौन सी होती हैं, तो स्पेशल पर्पस कीज कीबोर्ड में साइड में दिखाई जाती हैं। इन कीज का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर को स्लीप मोड में ले जाने के लिए। कंप्यूटर में उस बटन को दबाएंगे तो कंप्यूटर पावर बंद हो जाएगा। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में वॉल्यूम को कम ज्यादा करने के लिए इस स्पेशल पर्पस कीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कंप्यूटर में कैसे होता है, किस की का इस्तेमाल क्या होता है। अगली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है माउस। तो वर्तमान समय में माउस सर्वाधिक प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस है। इसे हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत किस कैटेगरी में रखेंगे, इसे हम इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है, कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग चित्र या ग्राफिक्स बनाने के साथ साथ बटन या मेन्यू पर क्लिक करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम कीबोर्ड का प्रयोग किए बिना पीसी को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आपके पास माउस है तो आपको कीबोर्ड चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पॉइंट करके किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हो, प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो आसानी से, कंप्यूटर को चला सकते हो। माउस एक समतल सतह जिसे माउस पैड कहते हैं पर हथेली की सहायता से चलाया जाता है। इसमें तीन बटन होती हैं जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। देखिए माउस को इस प्रकार से लेफ्ट राइट हैंड से पकड़ते हैं, ये माउस की लेफ्ट बटन कहलाती है, ये माउस की राइट बटन कहलाती है और ये स्क्रॉल बार कहलाता है। तो ये है आपका माउस जिसके द्वारा कि हम कंप्यूटर में किसी भी इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं, किसके माध्यम से, किसी भी प्रोग्राम को पॉइंट करके हम इंस्ट्रक्शन को इनपुट करते हैं। अगली इनपुट डिवाइस है तीसरे नंबर पर जिसका नाम है जॉय स्टिक। इसका इस्तेमाल कुछ कम ही जगह होता है, ये हर जगह आपको नहीं दिखाई देगी। जॉय स्टिक की पिक्चर यहाँ पर बनी हुई है, जॉय स्टिक इस प्रकार से दिखाई देती है और यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये भी किसके अंतर्गत आती है, ये भी माउस की तरह ही इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में पॉइंटिंग डिवाइस के अंतर्गत आती है, जो ट्रैक बॉल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सामान्यतः यह कंप्यूटर पर गेम खेलने के काम आती है। इसमें बॉल को घुमाने के लिए छड़ी नुमा हैंडल होता है, इसको आप घुमाएंगे तो जो भी चीज कंप्यूटर में पॉइंटर है वो चीज वैसे मूव होगी। तो यहाँ पर कुछ बटने हैं जिसके द्वारा पॉइंटर वगैरह को हैंडल किया जाता है। तो जैसे रेस फायरिंग वाले गेम है, रेसिंग गेम है ना, शूटिंग वाले गेम है,
उसके लिए बटनों का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। एयरप्लेन सिमुलेटर वगैरह वाले वीडियो गेम है जिसमें एरोप्लेन वगैरह को उड़ाना बताया जा रहा है, उस प्रकार के गेम में इस जॉयस्टिक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक के हैंडल में माउस की तरह बटन लगे होते हैं, देखिए बटन के बारे में बताया गया, जिन्हें ट्रिगर कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिगर। जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः वीडियो गेम, फ्लाइट सिमुलेटर, औद्योगिक रोबोट पर नियंत्रण रखने में भी किया जाता है। तो जॉयस्टिक का इस्तेमाल बेसिकली गेम वगैरह खेलने के लिए किया जाता है। अगली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है लाइट पैन। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना, देख सकते हो, यह भी इनपुट डिवाइस है क्योंकि इससे जो भी यहां पर हम निर्देश इनपुट कर रहे हैं वो निर्देश कंप्यूटर पर क्या होंगे? इनपुट होंगे। लेकिन किस प्रकार से होंगे? यहां पर मॉनिटर में डायरेक्ट हम पेन पेन को चला रहे हैं, इसीलिए जो है इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस कहेंगे। और ये पेन जैसा होता है इसलिए इसको कहा जाता है लाइट पेन। इसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी आकृति बनाने के लिए किया जाता है। यह पॉइंटिंग डिवाइस है। लाइट पेन में एक फोटो शेल होता है। जब हम लाइट पेन से कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई आकृति या पिक्चर बनाते हैं तो इसकी पल्स स्क्रीन में ट्रांसमिट होकर प्रोसेसर के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो आपको माउस से भी बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जैसे कॉपी या पेन में आप पेन चलाते हो और सुंदर सुंदर डिजाइन बना सकते हो, वैसे ही ये लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जो मॉनिटर में डायरेक्ट हम कोई भी डिजाइन बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लाइट पेन का उपयोग मेन्यू में दिए गए ऑप्शन को चुनने में भी किया जाता है। कंप्यूटर एडिट डिजाइन के कार्यों में बहुत आया तो इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि डायरेक्ट डिजाइनिंग बनाना हाथ के द्वारा ज्यादा आसान होता है बजाय माउस के। तो डायरेक्ट आपको हाथ के द्वारा डिजाइन बनाना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे? लाइट पेन का इस्तेमाल करेंगे। अगली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन का यूज आजकल बैंक में एटीएम मशीन में आपने देखा होगा, एटीएम मशीन में सारे ऑप्शन जो भी हम चलाते हैं कार्ड को स्कैन करने के बाद तो कैसे करके चलाते हैं? टच स्क्रीन के माध्यम चलाते हैं कि कैश विड्रॉ हमको करना है ना, कि हमको बैलेंस इंक्वायरी बस करना है, ठीक है, पिन नंबर डालें, सारी चीजें आप किसके द्वारा करते हो? उसमें जो उसकी स्क्रीन होती है उसमें टच करके करते हो। तो वो डिवाइस उसमें कौन सी लगी होती है? उसमें टच स्क्रीन डिवाइस लगी होती है। इससे भी निर्देश कंप्यूटर में जाते हैं इसलिए उसको भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सारे टच टर्मिनल में एक सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनती है जिन्हें टच पॉइंट कहते हैं। देखिए इस प्रकार से लैपटॉप भी आते हैं जिसमें इमेज को टच करके बड़ा छोटा जैसे एंड्रॉइड मोबाइल वगैरह में होता है। मोबाइल आजकल सभी के पास है जिसमें की टच स्क्रीन लगी हुई होती है, तो मोबाइल सबसे अच्छा उदाहरण है टच स्क्रीन के द्वारा डेटा को इनपुट करने का। इस सेंसिटिव स्क्रीन के अलावा टर्मिनल के साथ एक कीबोर्ड भी होता है जो डेटा को इनपुट कराने की अनुमति प्रदान करता है। यह यूजर फ्रेंडली होता है, इसमें ना बटन की जरूरत है ना माउस की जरूरत है, डायरेक्टली आपको टच करके और निर्देशों को इनपुट करना है। तो ये थी इनपुट डिवाइस जिसका नाम था टच स्क्रीन। अगली इनपुट डिवाइस है स्कैनर। इसका भी उपयोग आपने बहुत से जो ऑनलाइन का काम करते हैं उनके पास देखा होगा। स्कैनर एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर तक इमेज के रूप में ले जाने के लिए किया जाता है ना। इमेज के रूप में हमारी फाइल चली जाएगी, इसमें आपको फाइल से टाइपिंग करने से आप बच जाते हो, आपको इतना सारा टाइप नहीं करना है, जस्ट आप पेज को रखो और उसको स्कैन कर दो, पूरा पेज आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से? इमेज के फॉर्मेट में। उसमें आप कुछ टाइपिंग नहीं कर सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो किस फॉर्मेट रहेगा? इमेज के फॉर्मेट। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाओं को डायरेक्ट इनपुट कराने के लिए किया जाता है। स्कैनर किसी पेपर में प्रिंट किए हुए टेक्स्ट, फोटो तथा अन्य सामग्री को पढ़कर इसे कंप्यूटर पर एक इमेज के रूप में स्थानांतरित कर देता है। यह पेपर पर लिखे हुए टेक्स्ट या अन्य सामग्री को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर देता है, ठीक है ना। तो ये वही चीज जो हमने बताई कि जो पेपर में लिखा है उसको डायरेक्ट वो किस में ला देगा? इमेज के रूप में कंप्यूटर में ला देगा। तो उसको कौन सी डिवाइस बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। अब दिया गया है स्कैनर के प्रकार। तो पहला स्कैनर का प्रकार है जिसका नाम है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब जो कि मैग्नेटिक इंक को पहचानता है। मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए कैरेक्टर को पहचानने वाली डिवाइस कहलाती है MICR।
MICR बैंकिंग में अधिक उपयोग होता है, बैंक में अधिक संख्या में चेक जांचने के लिए भी इनका प्रयोग होता है। MICR टेक्निक में चेक पर विशेष चुंबकीय स्याही द्वारा कैरेक्टर छापे जाते हैं। MICR रीडर चेक पर छपे कैरेक्टर को मैग्नेटिक कॉइल के संवेदन से पढ़ता है, इसमें प्रकाशीय विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें किस तरीके से चेक को पढ़ती है ये डिवाइस जो है जिसका नाम है MICR, उस चेक में मैग्नेटिक इंक में अक्षर छपे होते हैं और इस डिवाइस का जो काम है वो मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए अक्षरों को पढ़ना है। इसी कारण से इस डिवाइस का इस्तेमाल ज्यादातर बैंकों में, क्योंकि चेक में जो नंबर होते हैं वो मैग्नेट से लिखे होते हैं, मैग्नेटिक इंक से, तो उसको पढ़ने के लिए इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। इस डिवाइस का नाम है MICR। इसी प्रकार से जो है दूसरा प्रकार है स्कैनर का, जो कि है ऑप्टिकल स्कैनर, और ऑप्टिकल स्कैनर के अंतर्गत भी कुछ और प्रकार आते हैं स्कैनर के, ठीक है। तो चलिए समझते हैं ऑप्टिकल स्कैनर का क्या अर्थ होता है। ऑप्टिकल जिसमें प्रकाशीय विधि से कोई स्कैनिंग की जाती है, प्रकाशीय विधि का इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल। इसमें प्रकाशीय विधि से प्रकाश कैरेक्टर पर डाला जाता है, ठीक है। जो जो कैरेक्टर टाइप है जिसको स्कैन करना है, जिसको हमको लाना है कंप्यूटर पर, उस पे प्रकाश डाला जाता है और वो अक्षर जो है पढ़े जाते हैं। तीन प्रकार के हैं, OCR, OMR और से OBR। तीन प्रकार के जो है स्कैनर होते हैं, OCR, OMR और से OBR। पहला देखते हैं OCR का क्या यूज है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि ये प्रकाशीय विधि से कैरेक्टर को पहचानता है, इसलिए इसका नाम है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। कैसे? इसमें पहले से छपे कैरेक्टर की OCR मानक कैरेक्टर से पहचान की जाती है। OCR के फॉन्ट कंप्यूटर पर संग्रहित रहते हैं, जिसे OCR स्टैंडर्ड कहते हैं। इसमें OCR A और OCR B अधिक लोकप्रिय है, मतलब कि जो ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन वाला स्कैनर है, ये केवल उन्हीं कैरेक्टर को पढ़ पाएगा जो ये डिवाइस समझ पाती है ना। तो कंप्यूटर पर वैसे फॉन्ट होने चाहिए, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा, तभी ये डिवाइस जो है उसको समझ पाएगी और पढ़ पाएगी। और फायदा क्या होगा, ये डिवाइस पढ़ के, और अगर वो प्रिंटेड भी है कागज में, है ना, तो वो फॉन्ट को पढ़ लेगी ये डिवाइस, जो कि जिस फॉन्ट को ये समझती है, और फॉन्ट को पढ़ के और डेटा कंप्यूटर डायरेक्ट चला जाएगा कंप्यूटर में। आपको देख करके उस फाइल को पढ़ने की, उसको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। OCR रीडर टाइप राइटर से छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर पढ़ लेता है। तो क्रेडिट कार्ड के जो कैरेक्टर, जो स्कैनिंग मशीन आपने देखी होगी जिससे पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं, जमा करते हैं, उसमें भी क्रेडिट कार्ड के अक्षर पढ़े जाते हैं, नंबर पढ़े जाते हैं, उसके लिए भी कहीं ना कहीं उसमें OCR डिवाइस लगी होती है। OCR फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस के द्वारा कैरेक्टर को स्कैन करता है, तरीका भी दिया गया है किस तरीके से स्कैन करता है, और परावर्तित प्रकाश के डेटा को बाइनरी डेटा में बदल देता है, कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। OCR का प्रयोग अधिकतर बिलिंग सिस्टम में किया जाता है, जहां बिल वगैरह बनाना है तो जो प्रोडक्ट है उसमें जो प्राइस लिखा हुआ है उसको स्कैन करके, ठीक है, और डायरेक्ट डेटा कहां भेज देगा, कंप्यूटर में। अगला है जिसका इस्तेमाल होता है बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह में, जिसका नाम है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इस प्रकार से आपने बहुत से एग्जाम में OMR शीट देखी होगी, जिसमें कि हमको चार आंसर दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें से सही आंसर को चुन के इसमें नंबरिंग के अनुसार हमको HB पेंसिल से काला करना पड़ता है। तो ये कैसे, ये इसको चेक नहीं करना पड़ता है, ये मशीन होती है OMR मशीन, उससे ये स्कैन होकर के बड़ी आसानी से डेटा कंप्यूटर पर स्टोर हो जाता है। तो आपके जो एग्जाम होंगे उसमें भी आपको OMR शीट मिलेगी, जिसमें कि आपको अपना नाम, रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर OMR शीट में ये HB पेंसिल से काला करते हुए भरना होगा। इस OMR शीट को पढ़ने के लिए जिस डिवाइस का उपयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर या OMR शीट, ठीक है। इसका उपयोग इन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र ऑप्टिकल होते हैं और विद्यार्थियों को चार या पांच विकल्पों में से एक उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में भरना होता है। इसमें चिन्हित कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहां चिन्ह उपस्थित होगा उस भाग को से परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी, जहां पर ये चिन्ह लगे हैं वहां पर परावर्तित प्रकाश की तीव्रता कम होगी, तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो है वो क्या है, ब्लैक किया गया, मतलब इस ऑप्शन को टिक किया गया है।
OMR की गति धीमी होती है, इसकी डेटा ट्रांसफर रेट 200 से 250 पृष्ठ प्रति मिनट ही होती है। जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो उसका 200 से 250 पृष्ठ प्रति मिनट ये चेक कर सकता है। तो ये थी OMR शीट, और हमने सीखा स्कैनर के बारे में कि स्कैनर क्या होता है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है OBR, इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। ऑप्टिकल बारकोड रीडर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस डिवाइस को आपने शॉपिंग मॉल में या कहीं पर भी जहां पर अपन किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाते हैं और उस प्रोडक्ट में इस प्रकार से बारकोड होता है, तो जब ये डिवाइस इस प्रोडक्ट पर लाइट डालती है तो क्या होता है, इस कोड को ये स्कैन करके और क्या करता है, आपके कंप्यूटर पर इसका डेटा जो है वो स्टोर कर देता है कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट का आइटम कोड क्या है, इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरर डेट क्या है, ये सारी जानकारी इस बार कोड में रहती है। इस बार कोड को स्कैन करके प्रोडक्ट के डेटा को कंप्यूटर में डालने के लिए जिस डिवाइस का इस्तेमाल होता है उसे बोलते हैं बारकोड रीडर। ये है बारकोड, और बारकोड को पढ़ने वाला कहलाता है बारकोड रीडर। OBR का मुख्य कार्य वर्टिकल बार जो कि अलग अलग डेटा के लिए निश्चित होती है स्कैन करना होता है। तो ये जो बार कोड है वो अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग बनाई जाती है। इस बार कोड में उस प्रोडक्ट की सारी जानकारी होती है, और ये मशीन उस बार कोड से उस प्रोडक्ट की जानकारी को स्कैन करके कंप्यूटर पर स्टोर कर देती है। स्कैन करना होता है, इसका प्रयोग किताबों के पीछे छपे बार्स तथा विभिन्न उत्पादों के पीछे छपे बार्स को पढ़ना होता है। तो ये था आपका ऑप्टिकल बारकोड रीडर। अगली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है डिजिटाइजर टैबलेट। तो डिजिटाइजर टैबलेट देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, जिसमें माउस भी होता है, एक पेन भी होता है, और यहाँ पर एक पैड होता है जिसके इस्तेमाल से हम पेन के द्वारा जो भी चीज यहाँ पर लिखेंगे तो वो डिजाइन जो है वो कंप्यूटर पर बनती जाती है। आपको माउस से उस डिजाइन को कंप्यूटर पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो डिजिटाइजर टैबलेट एक ड्राइंग सतह होती है, इसके ऊपर एक पेन या माउस होता है। ड्राइंग सतह पर पतले तारों का एक जाल होता है। तो जो ये ड्राइंग सतह आप देख रहे हैं इसमें पतले तारों का क्या होता है, जाल होता है, जिस पर पेन चलाते ही पॉइंट कंप्यूटर पर चले जाते हैं। इसके ऊपर एक स्कैनिंग हेड लगा होता है जिसे पक कहते हैं। इस स्कैनिंग हेड का प्रयोग सही स्थिति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट का प्रयोग विशिष्ट डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए क्या होता है इसमें कि जो भी आप पेन से इसके ऊपर डिजाइन बनाएंगे वो डायरेक्टली कंप्यूटर में बनती जाएगी, जिससे हमको माउस से बनाने में जो डिफिकल्टीज आती हैं उससे हम बच सकते हैं। और इस डिजिटाइजर टैबलेट डिवाइस के द्वारा बड़े आसानी से कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की डिजाइन को बना सकते हैं। तो जहां पर बहुत डिफिकल्ट डिजाइन है, कुछ पिक्चर्स बनाना, कोई ड्रॉइंग बनाना है, तो वहां पर ग्राफिक्स डिजाइनिंग में इस डिजिटाइजर टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अगली इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है वॉइस रिकॉग्नाइजर। कंप्यूटर के विकास से हम कंप्यूटर पर में डेटा बिना टाइप किए सीधे बोलकर भी इनपुट करा सकते हैं। हम अपनी कमांड को बोलकर भी क्रियान्वित करा सकते हैं। इस टेक्निक द्वारा इनपुट में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है। तो देखिए हमको अभी तक ये मालूम था कि कंप्यूटर में डेटा किसके द्वारा इनपुट किया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा, ठीक है, या माउस के द्वारा, या दूसरी भी पॉइंटिंग डिवाइस के द्वारा जिसको कि हाथ से चलाना पड़ता था। लेकिन इस प्रकार की भी डिवाइस बन चुकी है जिस डिवाइस में आप जो भी शब्द को बोलोगे तो वह उसको डिटेक्ट कर लेगा। इसको आपने देखा होगा मोबाइल में, मोबाइल में एक फीचर आता है इस प्रकार से सिंबल होता है, इस सिंबल पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और जो भी कुछ हम बोलते हैं तो ये मोबाइल उस डिवाइस को क्या, उस आवाज को क्या करता है, शब्द में बदल लेता है, समझ लेता है, और गूगल उसको यहाँ पर टाइप कर देता है और हमारी सर्चिंग पूरी हो जाती है। तो जैसे हम इस बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ मैसेज आ जाता है स्पीक नाउ। अब आप जैसे ही बोलेंगे तो वो जो भी आप बोल रहे हैं वो शब्द इंग्लिश में या हिंदी में यहाँ पर टाइप हो जाएंगे, और टाइप होने के बाद गूगल उसको सर्च कर लेगा। तो इस प्रकार की डिवाइस को क्या बोलते हैं, वॉइस रिकॉग्नाइजर, जो हमारी आवाज को पहचान करके फिर निर्देशों का पालन करे, ऐसी डिवाइस कहलाती है वॉइस रिकॉग्नाइजर। तो इसमें भी चूंकि आवाज को पहचान करके डेटा इनपुट किया जा रहा है, इसी कारण से ये भी एक इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो वॉइस रिकॉग्नाइजर भी एक इनपुट डिवाइस है।
अगली इनपुट डिवाइस है डिजिटल कैमरा। इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, आप भी जानते होंगे कि चित्रों को डिजिटल कैमरा की मदद से कंप्यूटर में डाला जा सकता है। डिजिटल कैमरा किसी चित्र को खींचकर उसे स्टोर करता है तथा कंप्यूटर में उसे डिजिटल रूप में भेज देता है। डिजिटल कैमरा को इंटरनेट पर वीडियो चैटिंग पर भी प्रयोग किया जा सकता है। यदि दोनों ओर कैमरा लगा है तो आपस में वार्ता करते हुए एक दूसरे का चेहरा भी दिखाई दे सकता है। तो यदि आपने देखा होगा शादी में, पार्टी में, या कुछ लोग अपने जो है सिंपल गैदरिंग में भी इस कैमरे का इस्तेमाल करते हैं और फोटो खींचते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर इस कैमरे को कंप्यूटर से हम डायरेक्ट लगा करके जो भी इसमें फोटो और वीडियो खींची गई है वो डायरेक्ट हम कंप्यूटर पर इनपुट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल कैमरा। इसी प्रकार से ये देखिए, इसको बोलते हैं वेबकैम। वेबकैम का इस्तेमाल ज्यादातर इंटरनेट में चैटिंग के लिए या वीडियो चैटिंग के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जिस भी एक यूजर के पास जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, उसके पास भी इस प्रकार से वेब कैमरा लगा होता है और जो मैसेज पढ़ रहा है उसके पास भी इस प्रकार से वेब कैमरा लगा होता है। तो आपस में ये एक दूसरे को देख करके बात कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे से ये वीडियो चैटिंग भी कर सकते हैं। हालांकि अब इस वेब कैमरा की जरूरत बहुत कम हो गई है क्योंकि लोग अब आजकल वीडियो चैटिंग जो है वो मोबाइल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, बहुत सारे ऐसे ऐप्स आ गए हैं जिसके द्वारा, एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा बड़े आसानी से वीडियो चैटिंग कर लेते हैं। फिर भी कहीं कहीं इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसको बोलते हैं वेब कैमरा।